गूज़बम्प्स ओवरलोडेड क्या होता है पता चला ये फिल्म देख के। फिल्म जिस पीक पे खत्म होती है वो कमाल था, लेकिन एंड में बहुत कुछ इतनी जल्दी जल्दी होता है कि जो सामने है वो तो समझ आता है, लेकिन बहुत ही क्लेवरली डाले हुए हिडन रेफरेंसेस और कनेक्शंस मुझे भी फिल्म दूसरी बार देखते वक्त समझ आए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिल्म के एंड में जो राक्षसों की सेना दिखाई है वो किसकी सेना है, उनका लीडर कौन है, और कैसे डायरेक्टर ने एक फिक्शनल वर्ल्ड को बहुत ही क्लेवरली हिंदू माइथोलॉजी से जोड़ा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रियल डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे पॉइंट पे। सबसे पहले मैं आपको एंडिंग का सिनारियो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। क्लाइमेक्स के फाइट सीन के पहले वाले सीन में जहाँ विभीषण जी हनुमंतु को रुद्रमणि के बारे में बताते हैं, उस सीन में विभीषण जी ये भी कहते हैं कि आने वाले समय में मानव और असुरों के बीच महायुद्ध होने वाला है और उस महायुद्ध के शंखनाद हो तुम, यानी ये महायुद्ध शुरू होने की वजह हनुमंतु बनने वाला था। और उनकी बातें एंड में सच भी हो जाती है। एंड में जब हनुमंतु विलन को मारता है तब रुद्रमणि भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसको देख विभीषण बोलते हैं रुद्रमणि के ब्लास्ट के बाद असुरों को नियंत्रण में लाना इम्पॉसिबल है, और हमें असुरों की सेना किसी महायुद्ध की तैयारी करते हुए दिखती है। यानी सच में हनुमंतु की वजह से ही इस महायुद्ध की शुरुआत होती है, और फिर मानव जाति को बचाने के लिए हनुमान जी को अपनी ध्यान साधना छोड़ नॉर्मल लोगों के बीच आना पड़ता है। ये तो था नॉर्मल दिखने वाला एंडिंग, लेकिन जैसा मैंने कहा फिल्म का एंड जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। यहाँ डायरेक्टर ने फिल्म को बहुत ही सीमलेसली फ्यूचर में होने वाले महाशक्तिशाली असुर कली और भगवान कल्कि के महायुद्ध से जोड़ा है। कैसे बताता हूँ, दो पॉइंट्स है मेरे पास। नंबर वन, जैसा कि हमें पता है जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगा भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि असुर कली से युद्ध करेंगे, जिसमें उनको 7 चिरंजीवियों का साथ मिलेगा। और जैसा कि हमें पता है ये 7 चिरंजीवी कलयुग के अंत तक यहाँ धरती पे मौजूद तो होंगे लेकिन ध्यान धारणा में होंगे, नॉर्मल इंसान से एकदम दूर। लेकिन जैसे ही असुर कली और भगवान कल्कि का युद्ध करीब आएगा ये 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि को मदद करने नॉर्मल इंसानों के बीच आएंगे, और यहाँ फिल्म में इन 7 चिरंजीवियों में से हमें हनुमान जी और विभीषण जी नॉर्मल इंसानों के बीच आए हुए देखने मिलते हैं, जो एक सिग्नल हो सकता है कि अब टाइम आ गया है अंतिम महायुद्ध का। और ये जो सेना हमें देखने मिलती है ये असुरों की सेना है और इनका लीडर हो सकता है असुर कली। नंबर टू, जैसा कि फिल्म में हमें विभीषण जी बताते हैं कि ये युद्ध मानव और असुरों के बीच होने वाला है और मे बी हनुमंतु यानी हनुमान जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर वाले इंसान भी भगवान कल्कि का इस युद्ध में साथ देंगे, और प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली फिल्म्स में ऐसे ही सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस होंगे जो एट द एंड भगवान कल्कि की आर्मी में शामिल हो सकते हैं, और हमें आगे चल के प्रशांत सिनेमैटिक यूनिवर्स के एंड गेम के रूप में भगवान कल्कि और असुर कली का महायुद्ध देखने मिल सकता है। सोचो भाई लोग क्या नजारा रहेगा, वो क्या स्केल रहेगा उस फिल्म का, सोच के ही गूज़बम्प्स आ रहे हैं। और भाई जब एंड में रुद्रमणि टूटता है हनुमान जी के ब्लड का ड्रॉप सीधा हनुमंतु के आंखों के थ्रू अंदर जाता है। सोचिए एक ब्लड ड्रॉप के थ्रू आई हुई सनरेज से उसको इतनी पावर मिलती थी, अब तो पूरा ड्रॉप ही उसमें गया है, तो क्या तबाही मचेगी नेक्स्ट फिल्म जय हनुमान में जो आने वाली है 2025 में। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके लिए, आप कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।